अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज़ की जो कि बेसिकली बेस बना इंडिया के SU-30 MKI की। कुछ मैंने आपको पहले भी बताया कि हर वेपन सिस्टम जो कि डेवलप होता है उसकी एक बैकग्राउंड होती है, तो इसकी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि जब कोल्ड वॉर अपने अरूज पे थी तो अमेरिका भी जहाज़ डेवलप कर रहा था, रशिया भी जहाज़ डेवलप कर रहा था, दोनों मुल्क जो थे वो जहाज़ डेवलप कर रहे थे। उस वक्त अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरू किया FX के नाम से, रशियंस को पता लग गया, रशियंस ने उसके बारे में डेफिनेटली इंटेलिजेंस देखी उसमें क्या चल रहा था, उनको वो पता लग, वो आगे चल के बेसिकली प्रोग्राम जो था वो F-15 में कन्वर्ट हुआ। उस वक्त रशियंस ने भी एक डिसाइड किया कि हम एक ऐसा, उन्होंने एक अपना रिक्वेस्ट दी अपनी दो कंपनीज को, एक मिग को और एक सुकोई को। मिग जो था वो उस वक्त वेल रिनोन नाम था दुनिया में, उसके जो जहाज़ थे सारी दुनिया जानती थी, सुकोई को इतने लोग जानते नहीं थे, जानते थे लेकिन सिर्फ मिलिट्री हलकों में, लेकिन जो मिग था वो एक हाउस होल्ड नेम था। एक मिग ने जो जहाज़ तैयार किया, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, कट शॉर्ट आपको बताऊँगा, मिग ने जो जहाज़ तैयार किया वो था MiG-29 और जो सुकोई ने जहाज़ तैयार किया वो था T-10। अब T-10 से मुराद थी कि उनका जो नंबर 10 प्रोटोटाइप था या नंबर 10 जो टेक्नोलॉजी जहाज़ था उसका नाम था, जो आगे चल के SU-27 में कन्वर्ट हुआ। अब T-10 जब बना तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि एक बड़ा जहाज़ उनको चाहिए जिसकी मैक्स 2 से ज़्यादा स्पीड हो, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह उठा सकें, जिसका लॉयटर टाइम यानी कि हवा में रहने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है तो उसको डेफिनेटली उतनी बड़ी चीज़ ही चाहिए। तो उन्होंने जो सुकोई ने जो जहाज़ बनाया वो था T-10। अब T-10 जब बना और उसने बेसिकली जब उन्होंने उसको देखा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, डेफिनेटली प्रोटोटाइप था, चीज़ें चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, उन्होंने उसके अंदर चेंजेस लेके आए। बेसिकली क्या फ्लॉज थे कि एक तो वो जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसके अंदर वो मतलब एंड्योरेंस नहीं थी, उस हिसाब से वो अपना वेपन्स लोड नहीं उठा सकता था, और भी उसमें कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से उनको उसको स्क्रैप करना पड़ा और उन्होंने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आए। इम्प्रूवमेंट्स जब लेके आए तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो SU-27 था जिसको हम कहते हैं, वो आज भी अगर हम देखें तो MiG-29 से तकरीबन 40% बड़ा है, उससे 40% वो ज़्यादा उसका वेट है और 40% ऑलमोस्ट इतना ही ज़्यादा उसकी पावर है और उससे ज़्यादा ही वो जो है वो वज़न लेके जा सकता है। अब ये रशिया का पहला जहाज़ था जो कि फ्लाई बाय वायर था। फ्लाई बाय वायर सिस्टम आपको पता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, एक फ्लाई बाय वायर होता है, तकरीबन 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है ये, और 4 से 5 घंटे ये इसका लॉयटर टाइम है यानी कि हवा में रह सकता है। 10 टन का फ्यूल इसके अंदर होता है और इसकी जो जो T-10 की जो पहली फ्लाइट थी वो 20 मई 1977 को हुई थी। T-10 में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उसका जो डिज़ाइन था वो टिपिकल शेप थी, ट्विन टेल डिज़ाइन था, उसके बाद उसके जो इंजन थे वो वाइडली अपार्ट थे, अच्छे यानी कि ताकि वो उसमें होता ही है कि वो मैनूवरेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो मदद देते हैं। उसके बाद जो उसके जो विंग्स थे वो ब्लेंडेड थे उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन उसके जो फ्लॉज थे वो बड़े थे। एक तो ये कि उसमें ड्रैग बहुत ज़्यादा थी, तो जो पहला जो उसके बाद उन्होंने उसको चेंज किया, फिर उसके अंदर चेंजेस लेके आए, तो चेंजेस लाने के बाद जो पहला प्रोडक्शन SU-27 आया था वो 1984 में आया था। 2500 किलोमीटर पर आवर ये जा सकता था, बहुत ज़बरदस्त हाईली मैनूवरेबल जहाज था स्लो स्पीड के ऊपर, मतलब बहुत ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं कि मैंने आज तक इससे बेहतर स्लो स्पीड के ऊपर दुनिया का कोई जहाज़ इतना मैनूवरेबल नहीं देखा। 8 टन के ये वेपन्स लेके जा सकता है, मतलब हाई जी मैनूवर कर सकता है और सारा कुछ, मतलब इसके जब ये आया था नया नया तो इस जहाज़ ने 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड नए कायम किए थे। इसमें 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर एक ऐसा था इसका, मतलब सबसे मशहूर जो वाकया है वो इसका कोबरा मैनूवर है जो 1989 में पेरिस एयर शो में विक्टर पुगाचेव ने किया था। अब विक्टर पुगाचेव इसका मेन टेस्ट पायलट भी था, तो उसने ये जो किया था, ज़्यादा दुनिया यही समझती है जो कोबरा मैनूवर है ये सबसे पहले विक्टर पोगाचेव, क्योंकि यह नाम से ही मशहूर है, पोगाचेव कोबरा के नाम से यह मैनूवर मशहूर है, लेकिन ये सबसे पहले SU-27 ने नहीं किया था, वो किया था SU-35 ड्रैकन ने। ये मैं एक छोटी सी वीडियो या इसमें मैंने ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। ये जो सबसे पहले जो कोबरा का मैनूवर था वो SU-27 ने नहीं परफॉर्म किया था, मशहूर जो था वो कह लें कि आंखें फटी की फटी रह गई थी इसी से,
कि ये एक कैसा मैनूवर इन्होंने किया है और इतना बड़ा जहाज ये मैनूवर कर रहा है। लेकिन जो सबसे पहले ये जो कोबरा मैनूवर था ये SU-27 ने नहीं किया था, ये SAB-35 ड्रैकन ने किया था। तो एनीवे ये तो एक अलहदा बात है, लेकिन इसके 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस जहाज ने कायम किए थे। ये इसका रेट ऑफ क्लाइंब बड़ा ज़बरदस्त था, 700 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ किलोमीटर जो है ये एक सेकेंड के अंदर जो है ये पार कर लेता, इतना ज़बरदस्त जो था ये जहाज़ था। जो मेन इसका जो पहला प्रोटोटाइप था उससे जब जो T-10 मैंने आपको बताया जब ये प्रोडक्शन में आया था तो उसका इंजन इम्प्रूव किया था उन्होंने, उसके अंदर वो मतलब पावरफुल इंजन लगा दिए थे। इंजन्स के दरमियान इसके जो थी जो स्पेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी ताकि इसको अगर एक इंजन को आग भी लग जाए तो दूसरा इंजन मतलब अच्छे तरीके से चलता रहे और वो उसका जो है वो कोई मसला ना हो। फिर इसमें एक ऐसा था, मैंने आपको बताया कि इसमें पल्स डॉपलर रेडार शामिल किया गया, इसका फ्लाइट सिस्टम जो था वो फ्लाई बाय वायर का था, IRST सिस्टम इसके अंदर गया ताकि अगर रडार बंद करके भी आपने सर्च एंड ट्रैक करना है तो इंफ्रारेड के जरिए आप सर्च एंड ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज़ थी, आज भी है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उस वक्त तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि आप हेलमेट माउंटेड साइट जो है वो लगाएं और उसके जो पायलट थे वो हेलमेट माउंटेड साइट जो थी वो ये जहाज लगा सकता था। फिर इसके वेपन्स की तरफ आए तो इसके ऊपर मतलब उनकी एक रिक्वायरमेंट रशियंस की ये थी कि अगर एक हमने जहाज बनाना है तो उस वो ज़्यादा वेपन लोड उठा सके। तो ये इसके अंदर ना शुरू में जो वर्जन्स थे यानी कि जो SU-27 के वो 10 हार्ड पॉइंट्स जो थे उनके थे और 8 टन ऑफ वेपन्स जो है वो उठा सकते थे। इसमें आप अगर को मैं थोड़ा सा बताऊं तो 4 आर्चर मिसाइल्स जो थे वो लग सकते थे ये जो शॉर्ट रेंज है, और 6 LMO मिसाइल्स जो हैं 8-wheel मिसाइल्स वो एट ए टाइम मतलब 10 मिसाइल्स ही उठा सकता था। उस वक्त ये बड़ी बात थी, आज भी खैर ये कि मतलब आज तो ये ज़्यादा उठा सकता है लेकिन उस वक्त ये बहुत बात थी कि ये एट ए टाइम जो है वो 10 8-wheel मिसाइल्स जो है उठा सके। फिर इसके अंदर एक 30mm की इन्होंने गन लगाई जिसके अंदर आप कह लें कि इसकी बॉडी के अंदर 200 राउंड्स जो थे वो भी हाउस कर सकते थे, यानी 10 मिसाइल्स प्लस 38 जो थी वो मतलब शॉर्ट गन्स जो एक जहाज के अंदर होती है वो भी लगाई भी थी। तो ये एक पोटेंट जो था ना वो इंटरसेप्टर भी था। फिर बाद में इसके अंदर चेंजेस आए, इसको उन्होंने जो है वो ग्राउंड अटैक के लिए भी इसके वर्जन्स बना लिए, फिर इसमें इंप्रूवमेंट आई और मतलब वक्त के साथ साथ उन्होंने इसको इंप्रूव करते रहे। फिर नेवी जो थी उन्होंने जब इसको देखा, उससे पहले मैंने आपको बताया कि मिग जो था वो बहुत मशहूर था लेकिन सुकोई को इतना ज्यादा कोई जान, लेकिन जब ये जहाज आ गया तो फिर सुकोई आज सारी दुनिया सुकोई को जानती है और मिग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दुनिया में अपना जो है वो दम तोड़ता जा रहा है। जो जहाज है MiG-29 बड़ा जबरदस्त जहाज है, लेकिन अब उसके बाद कोई उनका कोई जहाज आया नहीं। MiG-29 के बाद जो MiG-35 है वो अब MiG-31 था लेकिन वो तो इंटरसेप्टर था और किस्म का था, लेकिन जो MiG-35 है वो बेसिकली MiG-29 ही की किस्म है और वो भी आज उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। इंडिया को भी उन्होंने ऑफर किया लेकिन इंडिया ने भी उससे ना कर दी और मतलब मिग जो है एज ए कंपनी वो अपना दम तोड़ती जा रही है और एक लेगेसी ही रह गई है उसकी, लेकिन कोई नया फ्यूचर नहीं आ रहा। वो बीच में रशिया के जो मसले मसाइल आए, जब रशिया टूटा तो उस वक्त जो इश्यूज थे उसके उसका जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल बैठ गई, जो पैसे क्योंकि ये स्टेट ओन्ड कंपनीज थी तो उनको जो स्टेट से जो पैसे मिलते थे वो इतने ज़्यादा नहीं, फंड्स बंद हो गए तो रिसर्च बंद हो गई। जब आपकी रिसर्च बंद हो जाए तो फिर आप कर कुछ नहीं सकते। लेकिन सुकोई के बारे में ये था कि सुकोई ने जो एक SU-27 बना लिया था वो एक अपने अंदर ही एक इतना ज़बरदस्त जहाज था कि आज भी वो चल रहा है और उसके ऊपर जो उनका SU-57 है बेसिकली अगर आप देखें तो वो इसी के ऊपर बेस, और वो भी सुकोई ने ही बनाया है। मुझे याद है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि उसमें वो अमेरिकन जो डॉक्यूमेंट्री था डेफिनेटली इंग्लिश में थी, तो वो बता रहा था कि जब ये अमेरिकन ने इसको सैटेलाइट के जरिए इस जहाज़ को ऊपर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या चीज़ बना देने लगा है रशिया, मतलब इतना ज़्यादा। फिर उन्होंने इसको नाम दिया फ्लैंकर, क्योंकि ये इसका नाम जो है ये नेटो नेम है, ये इसका फ्लैंकर जो नाम है ये रशिया ने नहीं इसको दिया हुआ, ये इसका नेटो का जो है वो डेजिग्नेशन है फ्लैंकर। तो जितने भी जहाज होते थे हम तक जो ये इंटरनेट वगैरह पे हम देखते हैं ये इनके नेटो डेजिग्नेशन हैं। फिर चलें उसकी नेवी की बात करते हैं, तो नेवी ने जब डेफिनेटली उन्होंने अपने रशियन जो नेवी थी उसने एक प्लान किया हुआ था कि हमने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन अल्टीमेटली बना एक ही, उसका नाम था क्रूस्टेव, उसका नाम एक सेकेंड
कुज़नेस्टोव था उसका नाम, कुज़नेस्टोव, एडमिरल कुज़नेस्टोव। हाँ, ये भी जो था एडमिरल कुज़नेस्टोव, ये उन्होंने बनाया, बाकी तीन स्क्रैप हो गए थे, वो नहीं बना सके। उस पर उन्होंने SU-27 का ना एक नेवल वर्जन बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर कैनार्ड्स ऐड किए, फिर उसके अंदर अरेस्टर हुक ऐड किया, फिर उसका जो अंडर कैरिज था उसको ज़बरदस्त किया और उसमें रिफ्यूलिंग प्रोब लगाया। अब ये सारी चीज़ें जो थी, ये अब आप देखें तो इंडिया के SU-30 MKIs में भी हैं, मतलब उसमें कैनार्ड्स भी हैं, और मतलब हैरिस्टर हुक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें कैनार्ड्स उसमें आ गए, रिफ्यूलिंग प्रोब आ गया, और जो है ये सारी चीज़ें उसका, फिर वो ट्विन नोज व्हील आ गए, ये सारी चीज़ें जो है। तो अल्टीमेटली ये जो सारा कुछ बना इंडिया का SU-30, ये बेसिकली है ये SU-27 ही की एक किस्म, और उसी के ऊपर वो बेस किया गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। असल में इंडिया का अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं, इंडिया का भी सेम ही है, लेकिन ये आप समझ लें कि SU-27 और SU-35 के बीच का अपग्रेड है। अब इसमें इंडिया ने क्या जो चीज़ें लेके आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया ने जो बेसिकली जहाज़ लिया था उसके अंदर मेन चीज़ तो ये थी कि उसके अंदर एक पीसा रेडार था, एक बहुत बड़ा रेडार था, वो उसके लिए मतलब उन्होंने डॉपलर शिफ्ट रेडार से वो उन्होंने एक PES यानी कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार वो उसमें लगाया फिर, और उसके अंदर उनका जो था वो कॉकपिट बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि जो रशियन कॉकपिट था वो मैनुअल सारी गैजेट्स के साथ था, इन्होंने MFDs लगवा ली, और उसके बाद जो इन्होंने उसके साथ ये किया कि जो कुछ रशियन इसके अंदर जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले था वो चेंज करवाया, फ्रांस से लिया, और इसके अंदर उन्होंने इसराइल से मतलब कुछ गैजेट्स जो थे इसके अंदर इंटीग्रेट करवाए। तो ये और प्लस बेसिकली आज तकरीबन 272 ऑलमोस्ट पौने 300 272 275 जो है वो SU-30 इंडिया के पास है। और ये है कि इसके अंदर जो मेन चीज़ें थी वो इंडिया ने रशिया की एवियोनिक्स सिस्टम्स और वो निकाल के कुछ अपने ऐड किए, जो कि डेफिनेटली उनको लगता था कि वो रशिया से बेहतर है, कुछ उन्होंने फ्रांस से लिए और कुछ इसराइल से लिए। तो ये एक मिल के तो उन्होंने जो है एक जहाज़ बनाया जिसको उन्होंने SU-30 MKI। कहा जाता है कि ये जो रशिया चाइना के पास जो जहाज़ हैं उनसे बेहतर है, और क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर जो चाइना के पास है उसके अंदर रशियन एवियोनिक्स वगैरह है, और जो इंडिया के पास है उसके अंदर फ्रेंच और इसराइली इनपुट जो है वो भी शामिल है। तो और इंडिया अब इसको अपग्रेड भी कर रहा है, इसके अंदर वो पीसा रेडार की बजाय अब वही ईसा रेडार वो भी उसको में लगाने लगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, पोटेंट जहाज़ है, इसका लॉयटर टाइम बहुत अच्छा है, इसका सारा कुछ है। लेकिन ये है कि इंडिया के पास है भी अच्छी तादाद में। तो ये थी SU-27 की स्टोरी, जो कि बेसिकली वजह है इंडिया के SU-30 MKI की। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।